This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 24वें बैच के, जो कि एक एक्सक्लूसिव बैच है, इसके लेक्चर नंबर 31 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई क्वेश्चन रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गई है, तो आप लोग सवाल पूछ सकते हो, आप लोगों को सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो लेक्चर है ये सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल लास्ट लेक्चर होगा, तो कल सब ने अटेंड करना है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती हैं, कुछ सवालात होते हैं जो आप नहीं पूछ सक रहे होते, तो वो आप लाइव लेक्चर में आके सुन लेते हो, पूछ लेते हो, बता देते हो जो कंफ्यूजन हुई थी आपकी। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने बताया था कि जो SEO में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें एक जो फैक्टर है वो है इंटरनल लिंकिंग का। इंटरनल लिंकिंग का मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैं जैसे कि ये एक एक पोस्ट है, लाइक हाउ टू मेक मनी थ्रू फाइवर, बी योर ओन बॉस इन 2020। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? बेसिकली अभी कोई मैक में कोई इशू आया है तो ये रिस्टार्ट हो गया है जी। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है? ओके फाइन। इंटरनल लिंकिंग की मैं बात कर रहा था कि इंटरनल लिंकिंग बेसिकली हम एक पेज की तरफ लिंक लेकर आते हैं और
उसमें नेट का मसला हो गया था। अभी होप्स आप लोगों को जो है क्लियर स्क्रीन नज़र आ रही होगी। मैं बता रहा था कि सबसे बड़ी मिसाल इंटरनल लिंकिंग की विकिपीडिया है। विकिपीडिया क्या करता है बेसिकली, विकिपीडिया के कोई भी पोस्ट आप खोल लो, आपको एक के अंदर मजीद पेजेस का लिंक नजर आएगा। ओल्ड किंगडम, थर्ड डायनेस्टी, फ्री फ्री, ठीक है। आपको मजीद जो है वो विकिपीडिया के पेजेस का लिंक मिलेगा, आप जितने भी पेजेस को ले सकते हैं, यानी कि अपने ही मजीद पेजेस रेफरेंस कह लो, या इसको आप एक्चुअल में हम एसईओ की जुबान में, टेक्निकल जुबान में इंटरनल लिंकिंग बोल सकते हैं। आपकी वेबसाइट है 40 आर्टिकल्स पे मुश्तमिल, आपने पेज से अपने 4 से 5 पेजेस को लिंक देना है कंटेंट के अंदर से। ये कंटेंट वाला एरिया है, जिस तरह ये कंटेंट वाला एरिया है, ये कंटेंट वाला एरिया, यहाँ से आपने मजीद पेजेस को आपने लिंक, उससे क्या फायदा, आप करोगे तो आपके मजीद पेजेस को बूस्ट देगा गूगल, इंपॉर्टेंस देगा, रैंकिंग देगा। अच्छा, एक आर्टिकल 1000 रहा होता है, एक आर्टिकल, समझ आ रही है? ये चीज आप लोगों को शायद पहले आप लोगों ने कभी सुनी ना हो, मगर मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हम एक कीवर्ड को लेके उसके ऊपर आर्टिकल लिखवाते हैं, एक कीवर्ड के ऊपर एक आर्टिकल हम लिखवाते हैं 1000 वर्ड का, 2000 वर्ड का, मगर वो 50, 100, 200, 500, 1000 इस तरह से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा होता है एक पेज, ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि उसके अंदर जो हमने LSI कीवर्ड्स यूज किए होते हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स यूज किए होते हैं, प्लस जो इंटरनल लिंकिंग होती है उसकी वजह से एक पेज हमारा मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंकिंग में आना शुरू हो जाता है। यही खूबसूरती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, यही खूबसूरती है SEO की, इस टेक्निक की, कि हम एक अपनी अपने एक आर्टिकल को मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंकिंग में हमें गूगल लेकर आते हैं, फिर हम उनको भी बैकलिंक दिलवाते हैं जो जिनकी सर्चेज ज्यादा होती हैं, देन वो भी एक ही पेज मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा होता है, तो उसकी वजह से हमें ट्रैफिक हमारी बढ़ जाती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट में 10 टोटल आर्टिकल पब्लिश हैं, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ 100 या 200 ट्रैफिक आ रही होगी, जितने रिलेटेड कीवर्ड्स और जितना उस कीवर्ड की सर्चेज होंगी उसके हिसाब से हो सकता है उस पर 10,000 ट्रैफिक आने लग जाए, हो सकता है 20,000 ट्रैफिक डेली की आने लग जाए, डिपेंड करता है कीवर्ड कैसा है, डिपेंड करता है LSA कीवर्ड कितने यूज किए हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक वेबसाइट जो रैंकिंग में आती है उसके लिए। क्लियर है यहाँ तक? स्कीमा या रिच स्निपेट बेसिकली ये सर्च विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। कोई भी मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता हूँ, लाइक डाउनलोड जो आप लोगों को मैंने SEO का प्लगइन इंस्टॉल करवा कर दिया, वो ये काम करता है। ये आपको रेटिंग नजर आ रही है डाउनलोड और CNET की, ये रेटिंग, ये बेसिकली CTR बढ़ाने के लिए रिच स्निपेट का रिच स्निपेट की टेक्निक यूज की जाती है। ये टेक्निक आपको मैन्युअली कोडिंग में नहीं डालनी पड़ती आपको, क्योंकि कोडिंग मोस्टली लोगों को नहीं भी आती होती। ये हम लोग जो हम SEO का प्लगइन करते हैं, जैसे आप लोगों को SEO का प्लगइन करके दिया है, ये प्लगइन जो है स्कीमा यानी कि रिच स्निपेट का ऑप्शन हमारी वेबसाइट में ऐड करता है, हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी सर्च रिजल्ट में बेहतर करवाता है उस ऑप्शन को ऐड करके। उससे क्या होता है CTR बढ़ जाती है, CTR बढ़ती है तो सर्च रिजल्ट में, जब CTR बढ़ती है बेसिकली तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 10 एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, ठीक है, और जो 10 साइट नजर जिस पे लाइक पर तरीके से अप्लाई हुआ है, रिच स्निपेट प्रॉपरली इंटीग्रेट हुआ है वेबसाइट के अंदर, तो आप देखोगे इसके ऊपर हमारी नजर ज्यादा जाएगी। जब नजर ज्यादा जाएगी तो आप क्लिक ज्यादा सबसे पहले इसको करेंगे, ना पहले को करेंगे ना दूसरे को करेंगे, इसको करेंगे ना तीसरे को करेंगे, अच्छा चौथे को भी ने भी रेटिंग का ऑप्शन ऐड किया। इस तरह स्कीमा यानी रिच स्निपेट का जो हम फंक्शन है वो अपनी वेबसाइट में एज ए SEO ऐड करते हैं, तो सर्च रिजल्ट में हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ती है, विजिबिलिटी बढ़ती है तो CTR बढ़ता है, CTR बढ़ता है तो हमारी वेबसाइट रैंकिंग में अप होती है, अप होती है तो हमें
ट्रैफिक ज्यादा मिलती है। ठीक है, पहली तीन जो स्पॉट्स होती हैं उन पे ट्रैफिक ज्यादा होती है निस्बतन नीचे के सात के निस्बत। ठीक हो गया, तो ये जो इंटरनल लिंकिंग है इसको आप लोगों ने अपने हर आर्टिकल में, मतलब आपने 10 आर्टिकल पब्लिश कर दिए तो आपने अपने 9 आर्टिकल्स को अपडेट करना है और दो तीन पेजेस की तरफ आपने इंटरनल लिंकिंग करनी है, लिंक बनाना है बेसिकली, ताकि आपकी वेबसाइट जब आप बैकलिंक बनाओ सोशल मीडिया पे शेयरिंग करो तो वो जो इंटरनल लिंकिंग होगी उसकी वजह से बूस्ट मिलेगा मजीद पेजेस को, मजीद आर्टिकल को जो हमारी वेबसाइट के अंदर मौजूद है। इंटरनल लिंकिंग के बाद अंदर के पेजेस को रैंक करवाना। एसईओ ऑडिट की बात करें तो इसको आप ऐसे कहते हैं जैसे हम अपना चेकअप करवाते हैं या हम अपनी सेहत को चेक करना हो कि हम कितने मतलब तंदुरुस्त हैं बेसिकली, तो ये वही चीज है ऑडिट के। हमने अपनी वेबसाइट की को इस तरह से सेट करना है और मुसलसल ये काम करना होता है, ये कोई एक दफा का महीने में एक दफा करने वाला नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे आपने अपनी वेबसाइट को ऑडिट बेसिकली करना है। क्या बोला, साइट की एज जो है जितनी आपकी वेबसाइट पुरानी होती जाती है ना उतना वो जो है वो कह लो कि कीमती होती जाती है। ठीक है, अच्छा वेबसाइट की स्पीड पे आपने बहुत ध्यान देना होता है कि हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है बेसिकली वो कम ना हो। आपने इसको गाहे बगाहे जीटी मैट्रिक्स एंड पिंग डॉम जो दो टूल है इन पे आपने साथ साथ चेक करना है अपनी वेबसाइट को, ताकि आपकी वेबसाइट की वेबसाइट में अगर कोई स्पीड का इश्यू आ रहा है तो आप उसको फिक्स करोगे, यानी कि इश्यूज को सॉल्व करना, एरर्स को फिक्स करना बेसिकली ऑडिट कहलाता है कि आप अपनी वेबसाइट को मेंटेन रखोगे, एरर रखोगे ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को ज्यादा रैंकिंग में लेकर आए। ठीक है, जो डोमेन रजिस्ट्रार है ये ध्यान रखना कि वो कोई ऑथेंटिक हो, कोई नया रजिस्ट्रार ना हो, लाइक अच्छा रजिस्ट्रार हो, जैसे नेम चीप है, जैसे गोडैडी है। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा जी, जो आर्टिकल हम अपनी वेबसाइट में पब्लिश कर रहे हैं आपने उसका खास ध्यान रखना होता है कि वो जो आर्टिकल आप अपनी वेबसाइट में पब्लिश करें वो 750 वर्ड से ज्यादा का हो। यानी कि मैं आपको सिंपल बात बताऊं, जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं ना उनकी कंटेंट की जो लेंथ होती है उससे ज्यादा लेंथ का आर्टिकल हमने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करने में, एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, हेयर स्टाइल फॉर मेन पे मैं काम कर रहा हूँ, मैं पहली तीन साइटें, पांच साइटें, सात साइटें जैसे कंटेंट डाला हुआ है और उसको कंटेंट की लेंथ है, फॉर एग्जांपल की इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डाल के, फॉर एग्जांपल इस कंटेंट, इस पेज पे जो कंटेंट है वो है फॉर एग्जाम्पल 1500 वर्ड्स का, मैं 2000 वर्ड का, 2500 वर्ड का ऐड करूंगा। अच्छा, फिर जो वेबसाइट है आप जिसको लेके चल रहे हो अगर वो इमेजेस बेस्ड साइट है, यानी कि हमने जो नीच चूज की है वो अगर उसमें ज्यादा इमेजेस ऐड है तो हमने अपनी वेबसाइट के अंदर भी इमेजेस ऐड करनी। अच्छा, ये इंटरनल लिंकिंग के एक एग्जाम्पल ये भी देख लो, गुड हेयर कट फॉर गाइज। ठीक है, इन्होंने अपनी ही एक और पेज को लिंक दिया हुआ, दिस थिंग इज कॉल्ड बेसिकली इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, ये देखो शॉर्ट बियर्ड टाइप्स ऑफ बियर्ड की तरफ जा रही है, मतलब अपने ही पेजेस को जो लिंक देते हैं उसको इंटरनल लिंकिंग कहते हैं, कि अपनी एक और पेज को इन्होंने लिंक दिया। तो इंटरनल लिंकिंग की एग्जांपल भी मैंने बताई है, समझाया भी है, आर्टिकल की लेंथ के बारे में समझा दिया, टाइटल टैग जो भी हम अपनी वेबसाइट में टाइटल ऐड करें वो एसईओ फ्रेंडली हो। फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है मेक मनी थ्रू फाइवर, फॉर एग्जांपल मेरा ये कीवर्ड है, मैंने इसी को जस्ट टाइटल में यूज नहीं करना, मैंने उसको प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है, लाइक हाउ टू मेक मनी थ्रू फाइवर बी योर ओन बॉस। ठीक है, ताकि जो है वो एसईओ फ्रेंडली टाइटल उसको कहते हैं जिसमें यूजर को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया जाए कि इस
जो ये ओपन करने जा रहा है वो उसका मकसद क्या है, ठीक है। हम एसईओ में हमने आपने हमेशा ध्यान में रखना है, वेबिनार्स करता हूँ तभी समझाता हूँ, आज भी दोबारा आप लोगों को इस कोर्स में भी बता रहा हूँ, एसईओ का मकसद यूजर ग्रैब करना नहीं है, जस्ट यूजर लेकर आना नहीं है, उसकी अटेंशन लेना है, उसको समझाना है कि ये जो कीवर्ड वो ढूंढ रहा है, जो सर्च वो करने आ रहा है, उसको सबसे ज्यादा अच्छा डाटा मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट उसको उस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकती है, इसको एसईओ बोलते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपने उस लाइक जो भी हमने आर्टिकल पब्लिश करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो के इस आर्टिकल में क्या उसको सीखने को मिलेगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन होती है ये यहाँ शो होती है टाइटल के फौरन बाद, इसी जी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर। अपनी एप्लीकेशन को उस पर कंटेंट लिखवाना होता है फैसल, कंटेंट लिखवा के ना और उसका लाइक डाउनलोड का बटन उस पर आप लगा दोगे और उसका जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके लिखवाना है, उसमें आपने प्रॉपर इमेजेस यूज करनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने आर्टिकल पब्लिश करते हुए ऑन पेज एसईओ का कहा था कि स्टेप्स को याद रखना है तब वो रैंक करेगा। आज नेट काफी तंग कर रहा है, बार बार बंद बंद हो जाते हैं।
जी हाँ, आप औरंगजेब, आप डेफिनेटली जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है अपने राइटर से कह के लिखवा सकते हो, वो लिख के दे सकते हैं। एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, लाइक 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, मगर वो लिख के देगा। बाद लोग उसी जो आर्टिकल लिख के देते हैं उसी में ही चार्जेस भी पे कर, मतलब आपसे इजाफी नहीं लेते, उसी में ही आपको लिख के देते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कैनोनिकल टैग का मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स, ठीक है, यहाँ पर ना ये आपको नजर आ रहा है कैनोनिकल टैग। ये बेसिकली मस्ट करार दिया गया कि हर वेबसाइट में हर पेज का ये जो यूआरएल होता है वो एज अ कैनोनिकल टैग यूज हो, ताकि हमारे जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स होते हैं जिनमें सेम कीवर्ड यूज हो रहा होता है वो यानी डुप्लीकेट कंटेंट में ना आए। ठीक है, तो डुप्लीकेट कंटेंट में पहले भी काफी दफा बता चुका हूँ, उसका आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, आपका जो परमा लिंक्स है ना, यानी कि जो यूआरएल बन रहा है उसमें क्यूरी ना आ रही हो, ऐसे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल बने, ये आपने अपनी वेबसाइट को देखना है। ये आपने रीडायरेक्शन को चेक करना होता है अपनी वेबसाइट की, कि आया कि जो दोनों वर्जन्स हैं www, वो आपकी वेबसाइट पे कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, आया कि उसी पे हो रहा है जिस पे आपने इंस्टॉल किया था वर्डप्रेस, या दोनों ओपन हो रहे हैं। अगर दोनों ओपन हो रहे हैं तो ये खतरनाक बात होती है, एक ही वर्जन ओपन होना चाहिए, यूजर चाहे www के साथ टाइप करे चाहे विदाउट www, तो उसी पे रीडायरेक्ट होना चाहिए जो आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त जो है वो किया था। ठीक है, इस चीज का भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है। अच्छा, XML साइट मैप जो है वो आपकी वेबसाइट में जरूर होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को गूगल वेबमास्टर टूल में वो मैंने पब्लिश करना सिखाया था, बनाना सिखाया था वर्डप्रेस के अंदर, और उसको सबमिट करवाना सिखाया था गूगल वेबमास्टर टूल्स के अंदर। वो XML साइट मैप हर वेबसाइट के लिए जरूरी है, चाहे 5 पेजेस वेबसाइट है चाहे वो 5,000 पेजेस वाली वेबसाइट क्यों ना। robots.txt के जरिए हम बहुत सारे पेजेस को लाइक ब्लॉक करते हैं, अलाउ करते हैं और डिसअलाउ करते हैं, यानी कि ऐसे हम डिसअलाउ करते हैं कि वो इंडेक्स ना हो उसमें सर्च रिजल्ट में। ठीक है, ये साइट मैप का जो यूआरएल है यहीं पर ऐड हो गई, ऑटोमेटिक होता है जब हम एसईओ के प्लगइन करते हैं ना, वो robots.txt की फाइल खुद ही क्रिएट कर देते हैं हर वेबसाइट के अंदर, उसमें अलाउ एंड डोंट अलाउ यानी कि डिस अलाउ बेसिकली वो फंक्शनैलिटी खुद ही ऐड करते हैं, और तमाम यूजर एजेंट का मतलब है तमाम सर्च रिजल्ट सर्च इंजन को अलाउ है कि वो हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर सके। अगर ये स्टेरिक ना होता, ठीक है, यूजर एजेंट के आगे स्टेरिक ना होता, स्टेरिक का मतलब है तमाम सर्च इंजन अलाउ हैं हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर ले, अगर ये ना होता तो ये हमारी वेबसाइट गूगल में सर्च रिजल्ट में शो ही ना होती। इमेजेस कंप्रेस करके यूज करनी है, स्मश शीट का प्लगइन है, WP स्मश के नाम से प्लगइन है, जो इमेजेस हैं वो स्पीड पे बहुत असर अंदाज होते हैं, हमारी वेबसाइट की स्पीड नहीं अच्छी होती, इस वजह से कि इमेजेस जो है वो हैवी होती हैं यूज, तो हाई क्वालिटी की तो हो मगर कंप्रेस हालत में हो। मेरी बात समझ आ रही है? इस चीज का आप लोगों ने बेसिकली ध्यान रखना है, और इमेजेस जो है वो कंप्रेस हो के हमारी वेबसाइट में पब्लिश हो। CDN जो है अगर आप अनेबल कर सको तो आप अनेबल कर लो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसके बारे में भी मैं एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूँ, क्योंकि CDN जो है क्लाउड फ्लेयर जैसे आप लोगों को इंस्टॉल करवाया था उसका मकसद यही था कि आप लोगों को जो पेड है मैक CDN या इस तरह के पेड जो टूल हैं उनसे छुटकारा मिल सके, और आप लोग फ्री के टूल को यूज करके अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा सको। तो क्लाउड फ्लेयर मस्ट टूल है हर वेबसाइट के लिए, क्लाउड फ्लेयर जरूर यूज करना चाहिए। और क्लाउड फ्लेयर का मैं आप लोगों को यहाँ एक और बात बताता चलूँ, जो नेम सर्वर क्लाउड फ्लेयर के अपने होते हैं ना वो जबरदस्त ऑप्शन है। आप अगर वेबसाइट के अंदर जो मैंने तरीका बताया था फाइल मैनेजर के साथ जो ऑप्शन था क्लाउड फ्लेयर को अनेबल करने का वो भी ठीक है, मगर उससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन जो है जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है वो है कि क्लाउड फ्लेयर के नेम सर्वर्स को
प्रॉपरली अपडेट करना। मैं एक दफा आप लोगों को समझा भी देता हूँ, मैं स्क्रीन को जस्ट पास कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप लोग एक्सपर्ट लेवल की तरफ आ चुके हो। मैं साइन इन कर रहा हूँ अपने क्लाउड फ्लेयर को, मैं वो वाला अकाउंट करूँगा लॉग इन जिसमें imfaizan.com होगी। जस्ट होल्ड ऑन, मैंने स्क्रीन को पास किया। इसमें ना यहाँ पे आके क्लाउड फ्लेयर के अंदर एड साइड में आके इस ऑप्शन पे आके यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट trymini.com इसको हमने ऐड करना है, और आगे स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है वो मुझसे क्या क्या डिटेल लगता है। ये पूरी जो हमारी वेबसाइट है उसको उसके डाटा सारा फेच कर लेता है, उसके बाद हमें एक ये नेम सर्वर देता है। नेम सर्वर हमने अपने उस डोमेन के अंदर जहाँ पर आपने ns1.uphost.io और ns2.uphost.io दिया, तो वहां पर जाके आपने पेस्ट करने हैं नेम सर्वर, ठीक है। जैसे ये वाले नेम सर्वर जो देगा वो आपने वहां पर जाके अपडेट करने हैं। उसके बाद यहाँ गेट स्टार्टेड, यहाँ पर ऑटोमेटिक HTTPS, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट भी इंस्टॉल कर देगा ये, और आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत जबरदस्त हो जाएगी, ठीक है। ऑटो मिनीफाई सेटिंग जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे करनी है। सेव, उसके बाद फिनिश। नेम सर्वर हमने ये वाले अपडेट कर देने हैं, ये डोमेन के अंदर जाके कंट्रोल डोमेन के कंट्रोल पैनल में ये दोनों नेम सर्वर अपडेट कर देंगे। जैसे अपडेट करेंगे उसके तकरीबन 24 घंटे के अंदर 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर SSL सर्टिफिकेट भी जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और हमारी वेबसाइट एक CDN सर्वर पे आप कह लो कि मुंतकिल हो जाएगी। अब हमारी वेबसाइट सिक्योर भी हो जाएगी, हमारी वेबसाइट के DNS के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे, और हमारी हम जो है वो बहुत सारे इशू से बाहर निकलेंगे। तो ये आप लोगों ने जरूर इंस्टॉल करना है क्लाउडफ्लेयर, और SSL का भी ऑप्शन यहीं पे अनेबल हो जाता है। मोबाइल ऑप्टिमाइज जितने भी आजकल थीम आ रहे हैं मार्केट में वो मोबाइल ऑप्टिमाइज होते हैं। पहले ऐसे हुआ करता था कि कुछ थीम मोबाइल ऑप्टिमाइज होते थे कुछ नहीं होते थे, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट मोबाइल पे प्रॉपरली लोड नहीं होती थी और रैंकिंग में नहीं आती थी, क्योंकि मोस्टली वेबसाइट जो ओपन होती हैं वो मोबाइल से होती हैं। तो मोबाइल ऑप्टिमाइज होना बहुत जरूरी है। ब्रोकन लिंक, ब्रोकन लिंक जो है ये एक बहुत ही कह लो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हमारी वेबसाइट में ऐसा प्लग इंस्टॉल नहीं है जो कि ब्रोकन लिंक्स को या नॉट फाउंड पेजेस को होम पेज की तरफ लेके जाए, तो हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है रैंकिंग में। आल 404 के नाम से एक प्लगइन है बेसिकली वर्डप्रेस का, उसका काम यही है कि अगर हमारी वेबसाइट में कोई पेज नॉट फाउंड होता है तो वो उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो है imfaizan.com में ये जो है एक पेज की तरफ आता हूँ, तो ये जैसे ये नथिंग फाउंड आ रहा ना, ये नहीं आना चाहिए, ये एक इशू है, ठीक है। SEO ऑडिट अगर आप करते हो तो ये इशू, ये नॉट फाउंड नथिंग फाउंड नहीं आना चाहिए इस वेबसाइट में। हमें जो है All 404 का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। हमने जैसे एक इशू फाइंड कर लिया फॉर एग्जांपल, तो ये प्लगइन जैसे हम करेंगे तो ये इस पेज पे नथिंग फाउंड नहीं आएगा, ये होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि मैंने इस imfaizan.com में जो लेटेस्ट SEO का प्लगइन है वो भी नहीं किया हुआ, जिस वजह से ये एरर को वो फाइंड नहीं कर सका, और उसने
404 का पेज दिखाया है। अब जो ब्लैक हैट एसईओ करने वाले या हमारे कंपेटिटर फॉर एग्जांपल जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारी हमारी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल amazon.com, और इसमें एक पेज ऐसे रैंडमली पेजेस जनरेट करके और उनकी तरह ना बैकलिंक्स बना देते हैं, बैकलिंक्स बना देते हैं, वो 404 नॉट फाउंड गूगल में इंडेक्स हो जाते हैं। ठीक है, बैकलिंक बना देते हैं 404 नॉट फाउंड पेजेस की तरफ और वो गूगल में इंडेक्स करवा देते हैं। उससे क्या होता है, जब 404 नॉट फाउंड गूगल की तरफ नोटिफिकेशन जाता है तो गूगल हमारी वेबसाइट को डाउन कर देता है। तो ये एसईओ ऑडिट के जरिए हम अपनी वेबसाइट के इश्यूज को फाइंड करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और हर अपनी वेबसाइट को हम ऑप्टिमाइज करके लेके चलते हैं ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग ज्यादा बेहतर हो सके। आज के लिए इतना ही, कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इसको वाइंड अप करें, मैं कल आप लोगों को यहीं से समझाऊंगा। जी, फैसल, आप तमाम एप्लीकेशंस की वेबसाइट को एक वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। औरंगजेब, कर तो सकते हो ये वाला काम, बिल्कुल कर सकते हो। अगर एडसेंस के लिए कर रहे हो ना तो ये फिर आपको जो है वो मतलब फायदा कम देगा औरंगजेब। ठीक है, अच्छा फैसल, आपने जो सवाल किया ना, डोमेन किस टाइप की हो, आप कोई ब्रांड नेम लेके काम कर सकते हो फैसल, और उसमें तमाम एप्लीकेशंस के ऊपर आर्टिकल लिखवा के पब्लिश कर सकते हो, जैसे एपीके साइट्स पे काम किया जाता है जैसे। ठीक है ना, पूछ लो सवाल, पूछ लो। एडसेंस के साथ आप ऐसे पब्लिशर्स को यूज कर सकते हो जो पॉपअप ना खोलते हो, पॉपअप वाले होंगे वो बैन कर देगा एडसेंस। ठीक है, आप थीम का नाम पूछ रहे हो, तो ये वाला थीम मिल सकता है। मैं देख सकता हूं, अगर मेरे पास हुआ तो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ठीक हो गया जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।